एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान में वसुंधरा सरकार का अध्यादेश विवादों में घिर गया है। सरकार के नए अध्यादेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का बचाव किया गया है। सरकारी आदेश के बिना किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं किया जा सकता। इस लिस्ट में जज और मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। विपक्ष ने आनन फानन में जारी इस आदेश का विरोध किया। हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, इस अध्यादेश के क्या मायने निकाले जाएं? सीधा सीधा बचाव अपने लोगों का? सीधा सीधा श्वेता का देखे तो एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। किसी व्यक्ति को शिकायत होती है तो पुलिस के पास जाता है, कोर्ट जाता है या फिर मीडिया के पास आता है। तीनों ही परिस्थिति में कहा गया है किसी भी लोक सेवक के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कोर्ट आदेश नहीं दे सकता और मीडिया उसे छाप नहीं सकती। अपने आप में हेल्थ अंगेज अध्यादेश है, किसी जरूरत क्यों पड़ी है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR दर्ज कराना मूलभूत अधिकार है किसी व्यक्ति का, लेकिन किसी लोक सेवक के किसी अधिकारी की कर्मचारी के खिलाफ अगर आपकी शिकायत है या फिर आप RTI कार्यकर्ता है तो RTI के तहत जानकारी आप छाप भी नहीं सकते अखबार में या फिर TV पे दिखा नहीं सकते सरकार की इजाजत के बिना। तो अपने बिल्कुल यानी कि एक तरह से तानाशाही राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।